प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश में कोविड 19 के दौरान कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप सरकार पर लगाया है। प्रेम कौशल ने कहा कि गत दिवस ही टांडा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सिस को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कोविड 19 के दौरान इन स्टाफ नर्सिस ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवाएं दी, लेकिन फिर भी विभाग ने इस तरह नौकरी से उन्हें निकालना गलत बात है। प्रेम कौशल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जान को जोखिम में डालकर काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली प्रशंसनीय के घेरे में आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस असंवेदनशील कदम से सभी कर्मचारी सहमे हुए हैं। कौशल ने कहा कि प्रदेश सरकार कभी गंभीर नहीं रही है और कोरोना योद्धाओं की अनदेखी के मामले के चलते लोग भी सरकार से अब दुखी हो गए हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि पिछले दिनों भोज में भी एक मामला सामने आया था कि कोरोना योद्धाओं, जिसमें डॉक्टरों को आधी रात को रेस्ट हाउस से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी में समाज के प्रति समर्पण की भावना से काम कर रहे लोगों के प्रति सरकार का रवैया नकारात्मक रहा है। मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ से लगभग 21 स्टाफ नर्सिस जो कोविड 19 का जब ये दौर चला था देश के अंदर, उस वक्त इससे लड़ाई लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जो हमारे कोविड सेंटर्स थे, हॉस्पिटल्स थे, उनमें स्टाफ की कमी के चलते स्टाफ नर्सिस को आउटसोर्स पर रिक्रूट किया था। और पिछले कल टांडा मेडिकल कॉलेज की 21 ऐसी स्टाफ नर्सिस को टर्मिनेट कर दिया गया है, उनकी जगह रेगुलर नर्सिस की जो नियुक्ति है वो कर दी गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि वो लड़कियां जिन्होंने जब कोविड महामारी की एक दहशत पूरे समाज के अंदर थी, पूरे विश्व के अंदर थी, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी सेवाएं समाज को दी, विभाग को दी और अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड 19 के जो इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स थे उनकी सेवा की। और आज ऐसी कोरोना वॉरियर्स को, ऐसी महिलाओं को जिनका अस्मरणीय योगदान ऐसी स्थिति में रहा हो, नौकरी से निकालना, बाहर का रास्ता दिखाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार का एक बहुत असंवेदनशील कदम है। फिर जो है ये सरकार कभी भी गंभीर नहीं रही है। इस सरकार के जो कदम इसने कोरोना को रोकने के लिए उठाए पूरी तरह से विफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स की बढ़ चढ़ कर बात ये सरकार करती रही है। लेकिन जैसे कि पिछले दिनों का आपको याद होगा, हमीरपुर से कुछ स्टाफ जो था वो जो कोविड 19 पेशेंट्स की ड्यूटी के ऊपर था नेटी में, उसको ड्यूटी का जो टाइम है वो पूरा करने के बाद क्वारंटीन करने के लिए ओरेंज भेजा गया और वहाँ उनके ठहरने की कोई सूचना नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी और वहाँ की जो विधायक हैं उनके दबाव में भोरंज का रेस्ट हाउस जो है वहाँ से उन कोरोना वॉरियर्स को, जिसमें नर्सिस थी, डॉक्टर्स थे, उनको आधी रात को वहाँ से निकाला गया, पटलांदर भेजा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने जो लोग कोरोना की महामारी में समाज के प्रति समर्पण की भावना से काम करने वाली जमात थी या है, उनके प्रति सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निराशाजनक है। कोरोना वॉरियर्स को बात तो सरकार करती है, सरकार के लोग करते हैं, सरकार जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें तो जिस तरीके से इन स्टाफ नर्सिस को टर्मिनेट किया गया है जो आउटसोर्स पर लगाई गई थी, और जिस तरीके से भोरंज रेस्ट हाउस से कोरोना वॉरियर्स को निकाला गया, आधी रात को भेजा गया वहाँ से, क्योंकि वो रेस्ट हाउस जो है वो वहाँ की विधायक और उनके पतिदेव को इस्तेमाल करना होता है, तो सारी घटनाएं जो हैं ये अपने आप में इस चीज़ को परिलक्षित करती हैं कि प्रदेश की सरकार जो है वो कोरोना वॉरियर्स के प्रति और कोरोना के जो लड़ाई लड़ने में जो योद्धा लोग हैं उनके प्रति गंभीर नहीं है। उनके प्रति सरकार का जो रवैया है वो भेदभावपूर्ण है, निराशाजनक है।